Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is Atacama Desert Runner. So before proceeding towards the main theme line of this chapter, I would like to give you some information about Atacama Desert Marathon. So the Atacama Crossing is a 250 kilometer running race which take place in the Atacama Desert around San Pedro de Atacama. There are 6 stages in 7 days, almost 4 marathon in 4 days, then 74 kilometers, a rest day, and a final stage of 11 kilometers. It means 250 kilometers ki full race hoti hai ye, jo ki ek desert mein करी जाती है, ऑर्गेनाइज करते हैं इसके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो. द एटाकामा क्रॉसिंग रेस इज सेल्फ सपोर्टेड विच मीन्स दैट वी हैव टू कैरी ऑल आवर क्लॉथ्स, स्लीपिंग बैग्स, मैंडेटरी इक्विपमेंट्स, मेडिकल सेफ्टी किट एंड 7 डेज ऑफ फूड इन अवर पैक. द रेस ऑर्गेनाइजर्स ओनली प्रोवाइड अस विद वाटर एंड द टेंट्स फॉर द नाइट्स. So choosing the right kit and food is a real challenge as everything has to fit in a relatively small pack. और ये जो हमारी स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, वो रिलेटेड है एक ऐसे इंसान के साथ में जिसने इस रेस को जीता. So first Indian थे ये. Let us start reading and we will know about the further information about this Indian. So, the Atacama Desert in Chile, South America, is the driest place on earth, 50 times more arid than California's Death Valley. Atacama Desert जो है वो सबसे ज़्यादा dry place है इस धरती का, और California की जो Death Valley है उससे भी 50 गुना ज़्यादा dry. It is in fact the only place on earth that resembles the surface of Mars. और अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो ये अकेला एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है धरती पर जो कि मार्स की धरती को रिजेंबल करता है. इट मीन्स मार्स की और जो एटाकामा डेजर्ट की जो सरफेस है वो एक जैसा सा है. इट इज़ सो ड्राई दैट इन सम प्लेस रेनफॉल हैज़ नेवर बीन रिकॉर्डेड. ये जगह इतनी ड्राई है कि कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर बरसात कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई, इट मीन्स कभी हुई नहीं. इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू मिजोरम विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. और ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट एरियाज में आता है मिजोरम के, क्योंकि मिजोरम जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है धरती के ऊपर, वहाँ पर बारिश होती ही रहती है. और एक ये है एटाकामा डेजर्ट जहाँ पर कुछ एरियाज में बारिश हुई नहीं है. And it is here that one of the most grueling races on earth is run. और यही वो एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा hard races जो हैं धरती की वो organize की गई हैं या दौड़ी जाती हैं. The Atacama Crossing Race is an extremely challenging marathon race. तो ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि इसका एरिया जो है वो इतना ज़्यादा ड्राई है, तो ऑब्वियसली डेजर्ट में रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. तो ये भी बहुत ही एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मैराथन है. द एंटायर रेस कवर्स अ टोटल ऑफ 250 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती है ये रेस. एट ऑल्टीट्यूड्स बिटवीन 1600 एंड 3000 मीटर्स ऑन द कोर्स. और ये जो ऑल्टीट्यूड है वो 1600 से 3000 तक मीटर का रहता है. डे टाइम टेम्परेचर्स कैन रीच 45 सेल्सियस व्हाइल नाइट टाइम टेम्परेचर्स में ड्रॉप टू 5 डिग्री सेल्सियस. यानी कि दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात का टेम्परेचर अगर आप काउंट करें तो 5 तक. This marathon is organized by Racing the Planet. Racing the Planet, a sporting event management company headquartered in Hong Kong. तो ये मैराथन जो है वो Racing the Planet एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइज की जाती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हॉन्गकॉन्ग में है.
and is widely recognized as the most prestigious outdoor series in the world. और ये इसे जो है बहुत ही ज़्यादा prestigious outdoor series, outdoor कौन से होते हैं, वो चीज़ें जो कि घर के अंदर नहीं की जाती, बाहर की तरफ की जाती है, तो ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा prestigious रेट्स के नाम से जानी जाती है. However, the ultimate objective of the event is not just sport, but to foster greater understanding between diverse cultures and nationalities. हालांकि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना नहीं है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं उनको ही दिखाना नहीं है, बट लोगों में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के डाइवर्स कल्चर हो चाहे अलग अलग देश के हो, एक दूसरे के साथ में बेहतर अंडरस्टैंडिंग को शुरू करना है. सुमंत सिदंबी फ्रॉम हैदराबाद रिसेंटली टू पार्ट इन द एटाकामा क्रॉसिंग मैराथन. हैदराबाद से बिलोंग करते हैं सुमंत सिदंबी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एटाकामा क्रॉसिंग मैराथन का हिस्सा बनेंगे. वन ऑफ द फोर डेजर्ट रेसेस, अ सीरीज ऑफ फोर सेल्फ सपोर्टेड रेसेस रन ओवर 7 days. इसमें तकरीबन 4 डेजर्ट की जितनी रेस जितना जो एरिया है वो कवर किया जाता है. 4 दिन फुल्ली सेल्फ सपोर्टेड रेस जो है वो आपको करनी होती है, उसमें दौड़ना रहेगा और ये रेस चलेगी 7 days के लिए. द रेसेस आर रन इन द फोर मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये रेस जो है 4 डेजर्ट को क्रॉस करती है. पहला एटाकामा डेजर्ट को सहारा डेजर्ट में और वो भी इन चाइना एंड अंटार्कटिका. ये चारों जो है हमारे जो 250 किलोमीटर की रेस है उसमें ये चारों डेजर्ट काउंट हो जाते हैं. सितंबर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द एटाकामा क्रॉसिंग मैराथन सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2004. सितंबर जो है वो इस एटाकामा डेजर्ट क्रॉसिंग कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय बने थे 2004 में. सितंबर सॉरी 2004 शिकायत हो गई थी और जल्दी ही रनिंग जो है उनका पैशन बन गया. एंड नॉट जस्ट फॉर हेल्थ रीजंस, और अब उनको रनिंग करने की अपनी हेल्थ रीजन की वजह से नहीं, अपने पैशन की वजह से. फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू फिनिश इवन अ किलोमीटर इन 2005, ही वाज जॉस्टलिंग विद अदर कॉम्पिटिटर्स एंड स्टार्टिंग लाइन ऑफ द मुंबई हाफ मैराथन इन 2006. 1 किलोमीटर की मैराथन 2005 में जो कि मुंबई मैराथन, मुंबई हाफ मैराथन के नाम से जानी जाती है, उसमें उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा खासा जो टक्कर दी थी. और जो स्टार्टिंग लाइन होता है मुंबई हाफ मैराथन 2006 वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो रेसिंग